एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। टीचर्स जितना छोटा वर्ड है शायद उसके मायने उतने ही ज्यादा हमारी लाइफ में रहते हैं। हम खुद को कभी जज किया आपने, या खुद को जज करते हैं? शायद नहीं करते। आज मैं यहाँ हूँ, आप कल पता नहीं शायद IAS होंगे, HAS होंगे, किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं। तो आई थिंक ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जिंदगी में कोई भी इंसान किसी के बिना, किसी की गाइडलाइन के बिना शायद एक कदम भी आगे ढंग से नहीं रख सकता। वो मेरे ओपिनियन है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मदर या फादर कहते हैं कि बेटा इस तरह स्टेप आगे रखो, इस तरह चलना सिखाया, इस तरह खाना होता है, इस तरह बैठना होता है, इस तरह बात करनी होती है। तो सबसे बड़ा टीचर्स दुनिया में जो फर्स्ट वन है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जब करियर की बात आती है, नेशंस को बनाने की बात आती है, जिंदगी में कुछ अचीव करने की बात आती है, तो शायद टीचर का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। आज सुबह से मैसेज के बहुत से ढेर लगे हुए हैं। कुछ बच्चों को रिप्लाई कर दिया जो स्टार्टिंग वन में थे, कुछ बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और शायद मैंने YouTube चैनल इसीलिए बनाया था ताकि मैं सब बच्चों के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकूं। हालांकि मेरी जॉब एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, अगर स्कूल की बात करूं तो 1 साल का है, कॉलेज में भी 2-2.5 साल का है। तो आई थिंक जो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है वो यही है, टीचर अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहता। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, टीचर हमेशा ही अपने बच्चों की भलाई, अपने बच्चों की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। हम आपको गाइड करते हैं, इस तरह से करना है, इस तरह से पढ़ना है, ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस करें। मैंने जिंदगी में जो सीखा, जो मैं हूं आज, वो अपने गुरु जी की वजह से हूं। वो अगर जिंदगी में नहीं आते, अच्छी गाइडलाइन नहीं देते, और सबसे ज्यादा खुशी शायद उनको हुई होगी जब मुझे जॉब लगी थी। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी मोमेंट था कि मैं उनसे दोबारा इस तरह से इंटरेक्ट हुई, बात की। क्योंकि जब हम किसी कॉलेज को छोड़ देते हैं तो शायद हम उन टीचर से बहुत कम मिल पाते हैं। जब आप किसी प्लेस को छोड़ देते हैं जहां से आप कनेक्टेड हैं तो वहां आना जाना बहुत कम हो जाता है। तो मेरी तो बेस्ट विशेस आप सबके लिए यही है कि अच्छे से पढ़े, अच्छे से ऊंचाइयों को छुएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, जरूरी नहीं कि कुछ इंसान गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, वो मैटर नहीं करता, बात मैटर करती है आप कितनी लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे इंसान बने। कई बार हम बहुत क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट पे पहुंच जाते हैं लेकिन हम एक अच्छे इंसान, अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाते हैं, उसका भी महत्व लाइफ में नहीं रह पाता है। किसी भी पोस्ट पे जाए, कहीं भी रहे, खुश रहे, अच्छे से अपनी ईमानदारी से अपना काम करें। और सबसे बड़ी बात, जब किसी चीज की दुविधा हो, करियर की दुविधा है, लाइफ की प्लानिंग की दुविधा है, तो भगवान को याद करें, उनका चिंतन मनन करें उस चीज का। आपको किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, उसकी क्वेरीज खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। अगर आप दिल से साफ है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सबसे पहले नेगेटिव पीपल से दूर रहें। और खुद को मोटिवेट रखने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप खुद ही अपने आप में चिंतन मनन करेंगे तो आप खुद ही अपने लिए मोटिवेट होंगे। कोई भी इंसान किसी को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं आपको बोल सकती हूँ लेकिन आपके कितना आउटपुट देना है, कितना करना है, दे डिपेंड अपॉन यू, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए गाइडलाइन जरूरी है लेकिन उस गाइडलाइन पे किस तरह से चलना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी में कहीं भी, चाहे वो टीचर्स है, चाहे वो आपके पेरेंट्स है, कोई भी लोग इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान सीखता है। आज मैं टीचर हूँ तो मैं सीख रही हूँ, मैं इस चीज का प्राउड फील बिल्कुल भी नहीं करती कि मुझे ये चीज नहीं आती है तो मैं क्या करूँ, मैं तो टीचर हूँ। अगर नहीं आते तो सीखेंगे,
हो सकता है मैं बच्चों से सीखूंगी, बच्चे मेरे से सीखेंगे, या मैं सीनियर टीचर से सीखूंगी। लर्निंग प्रोसेस होगा, लर्निंग होगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज आपको कहीं ना कहीं से सीखने को मिलेगी। तो एक इंसान को लर्नर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से आपको सीखने को मिले। आप सीखें, घर पे कोई घर का काम है वो आपको नहीं आता है उसको सीखें। हालांकि मैं बहुत इस चीज में बहुत पीछे हूँ। और अगेन हैप्पी टीचर्स डे। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो गुरुजन मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और भगवान आपको ब्लेस रखे। एक और चीज लास्ट में जाते हुए कि इसी तरह कनेक्ट होते रहें, इसी तरह हम पढ़ते रहें। और जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल में, बहुत सी क्वेरीज आती है, मैम हमें उस तरह की वीडियो चाहिए, मैसेज आते हैं पर्सनल, तो बेटा अभी इतना टाइम नहीं हो पाता है। और जिस तरह से मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ, मेरा मोटिव है बच्चों के साथ कनेक्ट होकर उनको गाइड करने का। जिस तरह ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस होती है, तो वर्चुअल क्लासेस में बहुत सी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। अभी हमारे पास इस तरह के सॉफ्टवेयर या इस तरह के हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है जो मैं इजिली आपसे कम्युनिकेट भी कर पाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को इजी वे में सारी चीजें मिल जाए। विश यू गुड लक।